जब इमरजेंसी लगी थी उस जमाने में मैं स्कूल में थी। प्रेस सेंसरशिप है और ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रही है, जुलूस निकाले, गोली मारो, डैश डैश डैश, ये सब कहा। वो तो मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके खिलाफ जब कोई सवाल किया जज ने तो जज को ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिया गया। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पैदाइशी अपराधी माने जाते हैं इस देश में। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम सब के साथ क्या होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी औरंगजेब ने पोस्टर निकल गया तो उस पर आपका एफआईआर होगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और लगातार माफी मांगी अपने लिए, वही लोग अगर आप राज करेंगे तो यही सब होना है। इनको भी हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। लोगों के बीच में जाना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। जब इमरजेंसी लगी थी उस जमाने में मैं स्कूल में थी, क्लास 11 में थी, और आई मस्ट फ्रैंकली एडमिट के बहुत कुछ हमें समझ नहीं आया। हमें मालूम था कि सिविल लिबर्टी सस्पेंड हो गई है और प्रेस सेंसरशिप है और ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, तो हमें खानापूसी से काफी चीजें थोड़ी बहुत पता चल जाती थी। लेकिन उसके आगे बहुत कुछ हमारी निजी जिंदगी में हम लोग के सामने, जैसे कोई लिंचिंग चल रही हो या मारपीट चल रही हो, ये सब नहीं होता था। तो हमें पर्सनली उस तरह से अफेक्ट नहीं हुआ। हमें मालूम था कि और जगह क्या हो रहा है, लेकिन हमारी लाइफ चल रही थी। और फिर मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में सिर्फ एक चेंज था कि जो यूनियन के इलेक्शन होते थे हर साल, तो उस साल यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट था, बहुत ही बेकार प्रेसिडेंट था, और हमने उसकी बुक टांग की थी। और हम लोग एक सीक्रेटली कुछ न्यूज लेटर टाइप के निकालते थे, सीक्रेट अपनी लैंग्वेज में प्लेस करते थे जो इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था। इतना तो हमारा काम देखता कि अपना अंडरग्राउंड इस तरह से लिटरेचर को चल रहा है उसमें, क्योंकि एक नेचुरल यूथ में एक टेंडेंसी होती है कि जो भी अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो सरकार हो, उसके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है कि हम बेसिकली अपने राइट्स पे कोई भी कर्व है वो उसको एक्सेप्ट करें। तो उस जमाने में ये था, जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई तो 2 साल में लिफ्ट हो गई और इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस अगर जो लोग कंट्रोल में थे चाहते तो लिफ्ट कर सकते, लेकिन या तो उनको विश्वास दिलाया गया कि हम जीत जाएंगे, तो इलेक्शंस लेकिन डिक्लेयर हुए और पूरी तरह से कांग्रेस सरकार हार गई थी। उस टाइम पे एकदम से स्पर्ट हुआ था मेरे अपने कॉलेज में। मैंने देखा मेरे साथी, मेरे क्लासमेट नित्या रामकृष्णा, तो उससे मुझे काफी कुछ बताया और फिर कहा कि चलो कैंपेन करते हैं। हालांकि मैं नहीं गई, लेकिन शी वाज गोइंग एंड कैंपेनिंग। किसी ने कॉलेज में जेपी को क्रिटिसाइज कर दिया था तो उसने चांटा भी मारा था उसको, ये सब हमें याद है। बाद में शी रिक्रूटेड मी फॉर समता योजन सभा, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन देयर मीटिंग्स। और हमारा काम वहां पर यह था कि जितना सब कुछ गड़बड़ हो रहा था इंदिरा गांधी के समय, सब बाहर करो, मतलब वो बेटी में दोबारा ही, उसके बाद भी हमने कैंपेन चलाया और कोशिश ये थी कि दोबारा सरकार भी ना आए 1980 जब दोबारा से इलेक्शन, ये सब था। लेकिन दैट वाज माय लिमिटेड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। आई हैव कम टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे टीचर्स अरेस्ट किए थे। मिडनाइट ऑपरेशन, मिडनाइट मॉक होता था और बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया था। ये उनसे ही मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैं टीचर्स मूवमेंट में शामिल हुई। तो साथियों, जब जो आज का हमारा थीम है, हमको जो टॉपिक दिया गया है वो है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटरनिटी, जो हमारे प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इन तीनों पे मैं सबसे पहले अपना ये जो शेयर करना चाहती हूँ कि आज तो सारा कुछ आपने सुना है अभी, और मैं उसी पे थोड़ा सा बस समराइज करना चाहूंगी कि लिबर्टी तो पूरी तरह से उस टाइम पे खत्म की गई थी। देयर इज नो डाउट पॉलिटिकल लिबर्टी आपकी खत्म कर दी गई। यू कुड नॉट मेक क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट इन टू हर person of any kind of importance and it got reported, तो वो आपको अंदर भी किया जा सकता था, आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था। लेकिन जहाँ तक इक्वालिटी का सवाल, पूरा देश जो था वो उसकी सिविल लिबर्टीज खत्म की गई है। ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों की खत्म की गई या सिर्फ क्रिश्चियंस की खत्म की गई, सबकी खत्म की गई थी, उसमें कोई डिस्टिंक्शन इस तरह से नहीं था। और दूसरा था फ्रेटर्निटी, मतलब जहां तक मुझे मानता है क्योंकि रॉन्ग तो जरा अदर रेफरेंस है, फ्रेटर्निटी का भी इसमें इस तरह से कोई मसला नहीं था कि आपस में झगड़ा करवाना या जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस लिंग्विस्टिक, उनमें आपस का झगड़ा, ये भी उसमें कोई सवाल नहीं था। और जैसे अभी बताया गया कि जो एक जो पहले दौर चला था नेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच लीडिंग पर्सन्स को अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, जो एक इक्वालिटी की तरफ एक कदम है, वो चीज़ पर उस टाइम पे अटैक हमने नहीं देखा।
टाइम पे सारी सिविल लिबर्टी सस्पेंड हुई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज कहीं इक्वालिटी की बात करते हैं। अभी जैसे हमको हमने देखा कि इक्वालिटी तो जो है सीरियस होती है वही इक्वालिटी होती है। यहाँ तो पहले आप कानून नहीं देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइज इन इक्वालिटी। आपकी जो सी ए ए कानून है वो इंस्टीट्यूशनलाइज इन इक्वालिटी। दैट लॉ इटसेल्फ इज एन अनइक्वल लॉ, इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, इट ट्रीट्स देम ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। तो वो अपने आप में है। मैं तो मानती हूँ कि अभी जो ईडब्ल्यूएस जो ऑर्डिनेंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें आपने आर्बिट्ररी 10% तय कर लिया बिना कोई आंकड़े के, और आपने कह दिया कि इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें आठ लाख की आपने सीलिंग डाली है वहां पर, व्हाट रीजन वी डोंट नो, वो ग्रीनी लेयर ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन का आठ लाख करना पुअर सेक्शन, इट इज नॉट द सेम थिंग। आपने उसमें एससी एसटी ओबीसी को बाहर, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी। ऐसा भी नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, आप पॉपुलेशन आंकड़े तो लीजिए, आप सेंसस कीजिए, यू विल फाइंड द पॉपुलेशन में दे विल बी मोर देन 75-80%। लेकिन आप वो सेंसस नहीं करना चाहते हैं, आपने लिमिट किया है रिजर्वेशन 49.5%, और जो एक्स्ट्रा 10% है किस बेसिस पे 10% है, और उसमें आपने डिस्क्रिमिनेट करके एससी एसटी ओबीसी पुअर को बाहर रखा है। दिस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। इसके अलावा जिस तरह से हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन इनइक्वालिटी, अभी बताया गया कि बहुत सारे जो कानून आए उस समय में टाडा वीसा वगैरह के, आज पहले कोटा फिर यूएपीए पीएसए एनएसए, इन कानूनों के द्वारा लोगों की सिविल लिबर्टीज खत्म की जा रही है। और इसमें जो एक रूल होता था बेल का, या जो प्रिजम्पशन था आपके जुडिशरी में, मतलब कि किसी भी जुरिसडिक्शन में कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूव इनोसेंट, और आप एसोसिएशन से भी गिल्टी हो जाते हैं। आप किसी को जानते हैं जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई चल रही है तो आपके खिलाफ भी वो कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे कई नाम आए, जिस तरह से हमारी साई बाबा हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर को जिस तरह से उनको फेम करके और सारे मतलब डिनाई करके जो भी राइट्स है उनके, उनको पहले तो कन्विक्ट किया गया, वो 800 के जजमेंट में कुछ भी ऐसी बात नहीं कि किसी वायलेंट एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया था, पूरा का पूरा डिग जैसा उनको ट्रायल लग रहा था, और उसके बाद उनको जो कन्विक्ट किया उनको आज तक बेल नहीं दिया, ना पैरोल दिया, ना अपनी डाइंग मदर से भी मिलने का उनको या उनकी लास्ट राइट्स में शामिल होने का मौका दिया, जबकि वो 90% डिसेबल्ड हैं, वो उन कंडीशंस में जेल में रहना उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उनके साथ इस तरह से किया गया। इसी तरह से आप देखिए, आप देखा कि बहुत सारे आप देखिए कि संजीव भट्ट को किस तरह से बेल करके उन्होंने डाला जेल में और कन्विक्ट कर दिया, putting all judicial principles, throwing them to the winds and keeping him behind bars only because he was a key witness in the case in Gujarat riots and against Amit Shah, against the Prime Minister himself. So, इस तरह से उनके साथ किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि बी के भीमा कोरेगांव में 16 लोगों को किस तरह से उन्होंने ऐसे स्पेशियस ग्राउंड पे अरेस्ट किया और अंदर रखा है, ट्रायल भी नहीं हुआ है, और जबकि प्रूव भी हो गया कि उनके सम एविडेंस, सो कॉल्ड एविडेंस वाज प्लांटेड ऑन देयर लैपटॉप, उसके बावजूद नहीं हम उस पर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानते हैं कि ये जिसने प्लान किया है वो क्यों एविडेंस क्यों इन्वेस्टिगेट उस मामले को करेगा। तो पूरा सेटिसाइड करके इन्होंने उनको जेल में रखा है, और स्टैम स्वामी की इसमें डेथ भी हो गई, जहाँ पे उनको बेसिक सिविल लिबर्टीज कि आप स्ट्रॉ ले दें पार्किंसन के पेशेंट को, वो भी वो तक नहीं किया, टॉर्चर किया, और जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, इट इज अ शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इसी के बाद जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स हुए, अब एंटी सीए मूवमेंट चला, उसको खत्म करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स हुए, और उसमें जिन लोगों ने भड़काए वो रायट्स ओपनली भड़काए, जुलूस निकाले, गोली मारो, डैश डैश डैश, ये सब कहा, वो तो मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके खिलाफ जब कोई सवाल किया जज ने तो जज को ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिया गया। ये हमारी डेमोक्रेसी का हाल है, हमारी जुडिशरी का हाल है, एंड रियली इट्स अ वेरी सैड डे, द जुडिशरी हैज बीन फाउंड रियली वांटिंग, कि क्यों उन्होंने, आफ्टर ऑल हु विल इंप्लीमेंट आवर सिविल लिबर्टी, हु विल इंप्लीमेंट आवर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, it is the judiciary which has to do it, it has to stand up for the constitution, it has to stand up for all its citizens, it has not stood up, that is why people like Umar Khalid are in jail for 1,000 days and they have not been given bail. Isi tarah se aur baki jo naam
यहाँ पे बड़े थे सुजाता जी ने आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट ऑल दोज नेम इट इज अ क्राइम शेम एंड मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस अगर आप मुसलमान हैं तो आप पैदाइशी अपराधी माने जाते हैं इस देश में दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ये हमारी इक्वालिटी का हाल है और जबकि दूसरी साइड चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो या बाबू बजरंगी हो या वो माया तुफानी हो कन्विक्ट होने के बाद उनको बाद में बेल तो मिली गई और यहाँ भी कर दिया उन 11 रेपिस्ट को जो कन्विक्टेड थे उनको बार बार पैरोल मिला और पैरोल के टाइम उन्होंने काफी न्यूज़ेस क्रिएट किया थ्रेटन किया लोगों को उसके बावजूद उनको एडमिट कर दिया गया दैट वाज अ रियल शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी तो ये जो एकदम अनइक्वल लॉ है हम सबके लिए कि कुछ लोगों को तो डिस्पाइट बीइंग कन्विक्टेड ऑफ वेरी सीरियस हीनस ह्यूमन क्राइम्स दे आर सेट फ्री इनको कभी भी मिल जाएगा उनको छोड़ भी दिया जाएगा लेकिन जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे या ह्यूमन राइट्स के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाएंगे उनको बिना कोई चार्ज के बिना कोई ट्रायल के आप उनको जेल में चढ़ाएंगे एंड दैट इज लाइक अ गैस चेंबर दिस इज रियली लाइक द गैस चेंबर ऑफ जर्मनी दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट इज बीन फॉलोड बाय आवर गवर्नमेंट इसी में जिस तरह से हमारे इवन पीपल हु आर अर्न डॉलर्स फॉर द कंट्री हमारी जो महिला खिलाड़ी है जो पहलवान है उन्होंने मतलब अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम सब के साथ क्या होगा आम महिलाएं जो हिंदुस्तान में उनके साथ क्या होगा वो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है लेकिन उनके साथ ऐसा हो सकता है कि इतने प्रोटेस्ट के बावजूद उन्हीं के ऊपर पुलिस ने अटैक किया और जबकि जो अक्यूज है भूषण शरण सिंह वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है वो ऑनरेबली पार्लियामेंट नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को अटेंड कर रहा है वहां से भाषण दे रहा है वहां से प्रेस को एड्रेस कर रहा है और रैलीज निकाल रहा है और जितना भी मतलब उसको इतना समय दिया गया रात उनका कि वो माइनर जो कंप्लेनेंट थी उसका जो कंप्लेन है वापस कर रहा है तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्वालिटी वेयर इज द इक्वालिटी वेयर इज द इक्वालिटी फॉर विमेन cannot hope to get any justice from the system. Where is the equality for Dalits? Where is the equality for people who are exercising their right to dissent? And where is the equality for Muslims? अब तो Christians को भी उसमें आप जोड़ दीजिए जो मणिपुर में हो रहा है आप देख रहे हैं तो इसी तरह से मुसलमानों के साथ सिर्फ यही नहीं किया गया है अब कोई नई चीज शुरू कर दी है कि ड्यू प्रोसेस को पूरा हवा में फेंक के आप पहले अपने घरों को डिमोलिश कर दें घर ही नहीं रहेगा तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे पहले यूपी में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इस तरह से इनको शो कॉज नहीं दे सकते आप पहले तो कुछ प्रूफ कीजिए आप इनके नाम पब्लिक में नहीं डाल सकते जो एक्टिविस्ट थे ये सीएए प्रोटेस्ट के खिलाफ सीएए कानून के खिलाफ उसके बाद उन्होंने क्या तय किया कि प्रॉपर्टी अपेंड करने की जगह प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जब डिस्ट्रॉय करने की इतना रहेगा पास में बजेगी बांसुरी तो फिर किस चीज के लिए लड़ेंगे तो ये टोटली मतलब रूल ऑफ लॉ पे इतना बड़ा धब्बा है दूसरे पे इतना बड़ा अटैक है और हमारे राइट्स पे इतना बड़ा अटैक है और कैसे हम लोग उसको सह रहे हैं क्यों इसके खिलाफ और ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कौन हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगा इसी तरह से आप देखिए कि इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि आपको बराबर का मौका मिले अपने देश की हर कार्रवाई में हर प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का उसके लिए आपको एम्पावरमेंट की जरूरत होती है आपको एजुकेशन की जरूरत होती है आपको रोजगार की जरूरत होती है आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत होती है कि कहाँ है हमारे देश में जैसे अभी बताया गया यहाँ पे 10% लोग 70% रिसोर्सेज पे काबिज हैं और 2% मतलब बहुत सारे फिगर्स अभी सुजाता मिट्टी ने दिए इट इज अ शेम ऑन अस इट इज वेरी यू नो द मोस्ट सीन थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ इट इज नो द वर्ड फॉर इट बट इवन ये इवन है इस तरह से हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और हम शर्म से एकदम घर नहीं जाते हैं और उस शर्म से हम लोग को मरने की नौबत आ गई थी जब हमने लॉकडाउन के बाद हजारों वर्कर्स को पैदल चलते देखा जो अपने घरों तक जाने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश में इतनी मर भी गए तब हम लोग को शर्म से पानी हो जाना चाहिए था क्योंकि हम लोग नॉर्मली कैसे इग्नोर कर देते हैं कैसे इग्नोर कर देते हैं द ओनली वे आर डीएनए इज डिजाइंड टू इग्नोर टू इनविजिबलाइज द पीपल ऑफ दिस कंट्री हु आर लिविंग इन डेस्टिट्यूशन इज बिकॉज हमारे डीएनए में मैं बिलीव करती हूँ कि कास्ट सिस्टम का जो एक कॉन्शियसनेस भर दी गई है हम बहुत आसानी से लोगों को डीह्यूमनाइज कर सकते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में बदल गई हम प्रिविलेज क्लास है अगर हमारा प्रिविलेज छिन रहा है तो हम बहुत वोकल हो जाते हैं
लेकिन दूसरे के प्रिविलेज के लिए हमारा दिल इससे भी धड़कता है कि हम भी बेनिफिशरीज रहे हैं, हजारों सालों से हमारे बाप दादा बेनिफिशरीज रहे हैं, इसलिए हमारा दिल नहीं धड़कता। हमारे डीएनए में खराबी आ गई है एंड दिस इज द बिगेस्ट कर्स्ट ऑफ आवर कंट्री। जिस तरह से उनको आपने एक्सेस डिनाई किया है, रोजगार डिनाई किया है, बेसिक मिनिमम लिविंग वेजेस डिनाई किए हैं, बेसिक मिनिमम एजुकेशनल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी डिनाई किया है, अब ये सरकार इसके बारे में क्या करती है? ये जो प्रथा थी ये पहले से शुरू हो गई थी, ये पहली दफा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह के जमाने से 1990 से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का दौर शुरू हो गया था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के दौर में, और हमने इसके खिलाफ लड़ा लगातार, और लड़ने के बाद हमने कपिल सिब्बल से 6 बिल वापस करवाए, हमने बहुत सारी नीतियां इनकी वापस करवाई। लेकिन अब जो सरकार आई है, और मैं कई बार कहती हूँ कि ये सुपारी लेके आई है इंटरनेशनल कैपिटल से, अब सुपारी इनको दी गई है कि ये माहिर है लोगों को आपस में लड़वा के रेजिस्टेंस खत्म करने की, ताकि अपनी पॉलिसी जो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं उनको बड़े आराम से इम्प्लीमेंट करें। और इससे आप देखेंगे कि एजुकेशन पे अब नजर है, जैसे पहले सिर्फ ट्राइबल लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे नजर थी, इसीलिए साहिबाबाद जैसे लोग जो ट्राइबल्स के राइट्स के लिए खड़े हो रहे थे उनको अटैक किया गया कि ट्राइबल्स के सपोर्ट में जो खड़ा होगा क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जाएगा, वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के खिलाफ जाएगा, इसलिए उनको जेलों में बंद करना है, इसलिए उनको खत्म करना है। अब तो जो एजुकेशन के लिए बात करेगा, क्योंकि एजुकेशन दिख रहा है, अब अगर एजुकेशन के लिए बात करेगा वो भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को खत्म करना है, और इसमें इन्होंने ट्रीटी साइन करके रखी है गैप्स में जाके, पिछली सरकार ने भी की, और इस सरकार को ने तो बिल्कुल इसको जैसे कि एस्केलेट कर दिया, और अभी पूरी तरह से हम कॉर्पोरेट्स के हाथ में एजुकेशन दे रहे हैं। सीयूईटी लाके आप एक फिल्टर ऐसा ला रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमने देखा अपनी यूनिवर्सिटी में कि उसका नतीजा क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूरी डाइवर्सिटी खत्म है। जो रूरल पुअर और अर्बन पुअर और रूरल बैकग्राउंड की और महिलाएं जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कंप्यूटराइज टेस्ट से फैमिलियर नहीं है, वो पहले ही फिल्टर हो जाते हैं। और आपने इस टेस्ट को एनसीईआरटी पे बेस किया है, कहाँ ही क्वालिटी है? स्टेट्स का जो हक है, जो कंजरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, आपने स्टेट्स का हक मार के सारे स्टेट बोर्ड्स को अलग कर दिया, और आपने जो सीयूईटी का सिलेबस है सिर्फ सीबीएसई पे बेस किया है, जिसकी वजह से हमारी मेरी क्लास में आउटसाइड यूपी हरियाणा राजस्थान कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है, ना वेस्ट बंगाल से, ना उड़ीसा से, ना साउथ से कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है। जो क्रिश्चियंस भी आए, हमारे यहाँ तो 50% क्रिश्चियन रिजर्वेशन है, जो क्रिश्चियंस भी आए क्योंकि सब डेली बेस हैं, वो सब नॉर्थ इंडिया के हैं, उनको अपनी जबान भी नहीं आती। देखो आई टेल यू माय टीचिंग हिंदी व्हिच वाज नॉट लाइक दैट अर्लियर, अर्लियर दे यूज्ड मैप आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो आप देखिए कि आपने डाइवर्सिटी जो आपने अपने एजुकेशन का इतना बड़ा हिस्सा है, जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली अपने देश के बारे में सीखता है by meeting people from different parts of the country, speaking different languages, having different religions, aapke sare stereotype usi se khatam ho jate hain. You can see the other person as a human being. They become your friends, and these are the best guarantee for the unity and integrity and fraternity of our country. Ye sab aap khatam karna hai kyunki aapka ek agenda hai. आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के सोच समझ के क्रिटिक करना सीखें, तो एजुकेशन को भी बर्बाद करना है। 70% आपके कोर्सेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन पे हमने देखा बच्चे कुछ नहीं सीखे, तो ये सब किसके फायदे के लिए हो रहा है? एक तो बिजनेस प्रमोट करने के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं एजुकेशन का, वही लोग वही गिने चुने सोनी कैपिटलिस्ट, और दूसरा कि आपके जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो बिल्कुल अनपढ़ जैसे होंगे, दे विल नॉट हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन टू सी कि समाज को बदलना है, समाज की क्या हालत है, और इस तरह की बात है, those citizens become dangerous, so they don't want dangerous people who question, they want students who can be pushed in any direction, उनको आप भीड़ों में जमा कर दीजिए, उनको आप लव जिहाद की कर दीजिए, उनको ट्रोल्स बना दीजिए, ये सब आसानी से आप कर सकते हैं, and that is more dangerous than what happened in 1975, much much more dangerous, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को अंदर से इमैसिकुलेट कर रहे हैं, आप लोगों के ब्रेन्स को डिफॉर्म कर रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी, सोचेगी भी नहीं कि ऐसे कोई डिस्कशंस रखने की जरूरत है। तो लिबर्टी का जहां तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जुडिशियरी हैज बीन फाउंड वांटिंग इन प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ यूएपीए, और जानबूझ के पिटिशन सुने नहीं जाते थे, आपको चार जज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि अपनी मर्जी से जिस तरह से टिक किया जाता है कि किस बेंच के सामने कौन सा केस जाएगा, तो कहां से आपको जस्टिस मिलेगा इसमें? तो हैबियस कॉर्पस पे
आर्टिकल 370 पे और सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन जेएनके, इलेक्टोरल बॉन्ड सब पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, विच इज द बिगेस्ट रीजन फॉर प्रमोटिंग करप्शन इन इलेक्शंस. मीडिया, which is one of the pillars of the democracy, is no longer a watchdog but a lapdog. I don't want to say more about it. Everybody knows TV's mein ek bhi channel dekhne layak nahi hai aur sara kuch gundaan hi chalta rehta hai. Jis tarah se jaan boojh ke hate speech promote ho rahi hai, violence against minorities, aap hai Gujarat ko lijiye, UP, Karnataka mein bahut koshish ki, chahi nahi inki, Manipur mein kaise inhone cookies aur रेलवेज को आपस में जानी दुश्मन बना दिया है और स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस को टारगेट करके एक ग्रुप को एक कम्युनल पोलराइजेशन करके उन्होंने इस्तेमाल किया है और वहां पे पूरा जो सिविल सोसाइटी को के फैब्रिक को खत्म कर दिया है. महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी औरंगजेब ने पोस्टर निकल गया तो उस पर आपका एफआईआर होगा, मतलब किस दौर में हम आ गए हैं. उत्तराखंड में झूठी कहानी फैला के किस तरह से मुसलमानों को बाहर मतलब पूरा कम्युनल उसको एंगल देके किस तरह से भगाया जा रहा है. अब शायद धीरे धीरे वापस आना शुरू किया है लेकिन इसको आगे भी किया जाएगा. धर्म संसद विच इज द वर्स्ट अधर्म संसद, मेरे धर्म में ये सब नहीं लिखा है कि आप इस तरह से हिंसा करें, नफरत फैलाए, उल्टा लिखा है. लेकिन ये लोग तो बिल्कुल अपने कंस के जो फॉलोअर्स हैं कि आप हिंसा फैलाएंगे, पावर हंग्री हैं, ग्रीडी हैं और पाखंडी हैं. ये सब चीजें तो दानवों के लिए लिखी जाती थी हमारे ग्रंथों में, हमारे जो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीचिंग्स इन आवर स्क्रिप्चर्स. इस तरह से सोसाइटी को कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा, तो दे हैव अनलिमिटेड मनी थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड ऑल द यू नो फंक्शनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड. इस तरह से बीएचपी वगैरह फॉरेन कंट्रीज में भी एनआरआई को बेवकूफ बना के ये कर रही है, पैसा जमा कर रही है और उसको इस कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आप डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एनएलएस को खरीदने के लिए इलेक्शन कोई भी जीते वो आपके पास खुद आ जाएगा. तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेमोक्रेसी, वेयर इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज ऑल मीनिंगलेस. और अब एजुकेशन में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, लेकिन और ज्यादा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक्स में किस तरह से डिविजन किए गए हैं एवरीबॉडी नोज. आप लोग भी पढ़ रहे हैं कि पूरा मुगल पीरियड हटा दो, आप गोडसे का जो बैकग्राउंड है, व्हाई डिड ही बिकम व्हाट ही बिकेम, पूरा कनेक्शन उसका आरएसएस से वो हटा दो. आपको आप डार्विन थ्योरी भी हटा रहे हैं और सारा जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको खत्म करना चाहते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर चैप्टर था वो हटा दिया गया है, प्रेजेंट मूवमेंट्स में हटा दिया गया है, लोगों की रेजिस्टेंस इस तरह से हुई है हिस्ट्री में उसको हटा दिया गया है. आई डोंट थिंक इट इज एक्सीडेंटल, ये सब डिलिबरेट है. ये पूरा प्लान है, ये लोग ओवरटाइम काम करके जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और लगातार माफी मांगी अपने लिए और हर दफा फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ खड़े हुए वही लोग अगर आप राज करेंगे तो यही सब होना है. अभी उनके मास्टर जो इंटरनेशनल कैपिटल है वो है और इनको यहाँ पे अपने नौकरी देखने के लिए लव जिहाद इसमें अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों की शादी किसी से भी करने देंगे. लेकिन जो आम जनता है वहाँ पे लव जिहाद का बोगी चलेगा, ये तरह तरह के ऐसे कामों में हथियार पकड़ा के हमारे बच्चों को लगाया जाएगा. तो ऑल इन ऑल हमारी डेमोक्रेसी इज इन पेरिल एज इट वाज नेवर बिफोर. वहां पे चलो टेम्पररी था, डेमोक्रेसी वाज सस्पेंडेड, लेकिन अब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद कॉम्प्रोमाइज है. इलेक्शन कमीशन में किस तरह से अपॉइंट होता है और बाद में अगर उसमें किसी ने थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने की कोशिश की लवासिया ने, उनके फैमिली के ऊपर इतने बने ईडी सीबीआई इन सबको यूज किया जा रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ, 90% केसेस है. अगर आप उनके बीजेपी में चले गए तो केसेस सारे ड्रॉप हो जाएंगे, आपको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा. लेकिन अगर आप खड़े रहे तो बहुत ही बेकार सा चार्ज डेफोमेशन का लेके 2 साल की सजा, एक मोदी के ऊपर जो उन्होंने सुनाया उसको 2 साल की सजा देके, विच इज द मैक्सिमम सेंटेंस परमिसिबल, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई करना था पार्लियामेंट में. तो पार्लियामेंट का भी क्या सैंक्टिटी रह गई है, पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं. तो हमें अपना बिल्कुल नहीं सोच सकते उस जमाने में, उस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है. वी आर गॉन मच अहेड of what happened in 1975 और ये इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ आके बोलना भी act of bravery हो गया है और सबके नाम कहीं ना कहीं फाइल में है. जब उनको फुर्सत मिलेगी तो हम सबको एक एक करके जेलों में डाला जाएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है. क्योंकि अगर हम तैयार नहीं रहे इसके लिए और लोग सामने नहीं आए तो सिचुएशन विल गेट वर्स एंड वर्स. आई बिलीव दैट वी कैन मेक इफ वी आर यूनाइटेड एंड वी आर डिटरमिन्ड एंड वी डोंट लूज होप एंड वी डोंट लूज हार्ट. हम लोग इनको भी हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, लोगों के बीच जाना
जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है और ये ईवीएम के खिलाफ हमें जरूर कैंपेन करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम एक तोते की तरह जो राजा की जान तोते में होती है, तो ईवीएम में के लिए माला जपते हैं एंड दे आर टेरिफाइड एट द थॉट कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन हो गया तो इनका क्या होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।